तो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसके अंदर, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है मैं कॉन्सेप्ट लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं, या इसमें रिलेशन क्या है। इसका टेम्परेचर स्टेबल तब होगा जब इसमें से जो रेडिएशन निकल रही है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि यहां से यहां तक आने में जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर हम किरचॉफ्स रूल लगा के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, तो टोटल पावर निकालने के लिए सिग्मा, इसको बाहर ले आते हैं। हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूं आपके सामने एस्पायर सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। आज के सीरीज में हम हीट ट्रांसफर पर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा हमारे फाउंडर्स टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। तो ये जो क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आप एक टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल पे वेदांतु के फाउंडर्स प्रेजेंट रहते हैं और ये फाउंडर्स यहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। इस चैनल पे बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट शेयर किया जाता है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और फाउंडर्स की मोटिवेशनल मैसेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही फाउंडर्स बहुत बहुत बार लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो आपको डायरेक्टली फाउंडर से बात करने का मौका भी मिलेगा। तो बच्चों जरूर इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज यहाँ पे रहने से आप वेदांतु के फाउंडर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। इसके अलावा जो बच्चे जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर जेई एडवांस लेवल का कोई प्रॉब्लम कंटेंट चाहिए, कुछ एक ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें कि कम से कम नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा वैरायटी कवर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए, तो उसके लिए ये जो जेई एडवांस रैंक एक्सेलरेटर मॉड्यूल है ये बनाए गए हैं। आप इनको सॉल्व करिए एंड यू विल फाइंड कि आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सेट मिल रहा है, जिससे आपकी काफी अच्छी लर्निंग हो रही है। ये वही प्रॉब्लम सेट है जिसको एकलव्य के बच्चे सॉल्व करते हैं और जिसको सॉल्व करके बच्चों की जो रैंक है वो बूस्ट हो जाती है। जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच में बच्चों को यही सॉल्व करवाया जाता है एकलव्य प्रोग्राम के अंदर, और इसी के माध्यम से बच्चे अपने अपने इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। ये मिलेगा कहाँ आपको, आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये अमेजन पर भी अवेलेबल है, ये वेदांतु स्टोर पर भी अवेलेबल है, दोनों लिंक्स इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में है। आप कहीं से भी इन कंटेंट को प्रोक्योर कर सकते हैं। और बच्चों विद दैट आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ हीटेड बॉडी एमिट्स रेडिएशन व्हिच हैज अ मैक्सिमम इंटेंसिटी नियर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, द एमिसिविटी ऑफ द मटेरियल इज 1, यानी कि हम जिस बॉडी की बात कर रहे हैं वो एक ब्लैक बॉडी है। इफ द एब्सोल्यूट बॉडी टेंपरेचर ऑफ द बॉडी इज डबल, फिर चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जज करना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे है मैं वो बताता हूँ पहले। तो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसके अंदर, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है मैं कॉन्सेप्ट लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो पहला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, वो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये लॉ क्या बताता है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ। तो ये लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी है जिसके अंदर से रेडिएशन एमिट हो रही है, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर टी है, ठीक है, तो ये रेडिएशन, ठीक है, जिस वेवलेंथ का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा एनर्जी के अंदर, ये रेडिएशन पॉलीक्रोमेटिक होती है, तो इस पॉलीक्रोमेटिक बीम के अंदर अलग अलग वेवलेंथ के फोटॉन्स निकलते हैं, तो जिस वेवलेंथ का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा एनर्जी में, सपोज उसको हम लैम्डा एम कह देते हैं, तो लैम्डा एम और बॉडी का जो प्रोडक्ट होता है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, और इस कॉन्स्टेंट को हम वीन्स कॉन्स्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा को हम लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाय न्यू, ठीक है। तो रिजल्ट ये आ रहा है कि सी इज अ कॉन्स्टेंट, बी इज अ कॉन्स्टेंट, कि टी जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमम रेडिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर ये यूज हो रहा है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डबल, तो अगर हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दिया है तो जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम रेडिएशन देखने को मिलेगा वो फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी। तो एक तो एजेंडा यही था, देखो जैसे ए ऑप्शन कह रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल बी नियर द फ्रीक्वेंसी 2E0, तो ये सही हो गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इससे डिफरेंट है, मतलब सेम चीज के बारे में बात कर रहा है लेकिन वैल्यू गलत डिफरेंट कोट कर रहा है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन कह रहा है टोटल एनर्जी एमिटेड बाय विल इंक्रीज, तो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो अगेन यही है कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है, जिसका एरिया ए है, जिसका एमिसिविटी एप्सिलॉन है, तो इसमें से जो पावर एमिट होती है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं सिग्मा एप्सिलॉन ए टी रेस टू पावर 4, ठीक है। तो अगर मान लो हमने टेम्परेचर डबल कर दिया है और अब हम एमिटेड पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नोटिस करो कि ये जो पावर है ये 16 टाइम्स हो जाएगी प्रीवियसली जो पावर एमिट हो रही थी उसके, तो ये प्रीवियस पावर का 16 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए द टोटल एनर्जी एमिटेड विल इंक्रीज बाय फैक्टर 16 विल बी द राइट ऑप्शन एंड देयरफॉर डी ऑप्शन विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। तो इन चार ऑप्शन के अंदर ए और सी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ए एंड सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने करा है, इसके अंदर हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में बात करी है और हमने स्टीफन्स लॉ जो है उसके बारे में बात करी है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन एक आदर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट वन कह रही है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड अ हॉलो स्फीयर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इनर रेडियस स्मॉल आर एंड आउटर रेडियस कैपिटल आर आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर एंड देन अलाउड टू कूल, बोथ ऑफ देम विल कूल एट द सेम रेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन आपने पढ़ लिया, स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, द रेट ऑफ हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द सर्फेस एरिया, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स को हम जज करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जज करना इट्स मोर लाइक अ वर्ड प्ले, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि रेट ऑफ हीट लॉस, ठीक है, रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग, क्या ये दोनों सेम चीज है, क्या ये दोनों सेम चीज है। मतलब कि सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम अपने आपसे पूछना चाहिए, जिसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वो ये है कि क्या ये दोनों चीजें सही है, रेट ऑफ हीट लॉस या रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ हीट लॉस जो होता है
ये होता है जिस रेट से हम हीट को लूज कर रहे हैं, यानी इसकी जो यूनिट होगी वो जूल पर सेकंड की होगी, यानी कि वॉट होगी इसकी यूनिट, ठीक है। रेट ऑफ हीट लॉस ये होगा, वेयर क्यू रिप्रेजेंट्स द नेट हीट, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट लॉस तो ये हुआ। रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी? रेट ऑफ कूलिंग होता है एक बॉडी को हम कूल होता हुआ कह रहे हैं या उसको हॉट होता हुआ कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो जो रेट ऑफ हीटिंग होता है वो डिपेंड करता है, वो होता है ये, यानी कि इसकी जो यूनिट होगी वो केल्विन पर सेकेंड या डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, इस तरीके से होगी। तो दोनों की यूनिट पे फर्क है, तो यहाँ से ये तो पता चल गया है कि ये तो अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है। रेट ऑफ हीट लॉस इज डिफरेंट एंड रेट ऑफ कूलिंग इज डिफरेंट, ठीक है। और इसमें डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं, या इसमें रिलेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम क्यू हीट देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको हम एम एस डेल्टा टी इस तरीके से लिखते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं कि डी क्यू हीट एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी के टेम्परेचर में जो राइज होता है उसको अगर मैं डी टी कह रहा हूँ तो डी क्यू विल बी इक्वल टू एम एस डी टी, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू एम एस इन टू डी टी बाई डी टी। तो यहां पर देखो ये देखने की बात है कि रेट ऑफ हीट लॉस जो है, ठीक है, इसको मैं आर एच कह देता हूँ, रेट ऑफ हीट लॉस जो है This is M into S. M into S क्या है? यह हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट जो होता है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो यह है हीट कैपेसिटी इंटू रेट ऑफ कूलिंग, ये समझ आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये जो कॉन्स्टेंट है इसका फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ अब मैं एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है कि सॉलिड स्फीयर था, रेडियस आर था, हॉलो स्फीयर था जिसका इनर रेडियस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो एक केस पे, एक सिचुएशन में हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस आर है, ये एक सिचुएशन है, ठीक है। और एक दूसरे सिचुएशन में हमारे पास एक स्फीयर है जिसका आउटर रेडियस तो आर है लेकिन इनर रेडियस जो है वो डिफरेंट है, वो स्मॉल आर है। तो इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। और ये सेम मटेरियल के बने हुए थे, उसमें देखा है रेडियस आर, हॉलो स्फीयर, सेम मटेरियल, ठीक है, एंड एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर सेम है, इसका मटीरियल सेम है, मटीरियल सेम होने का ये मतलब हुआ कि इसकी डेंसिटी भी सेम हो गई। तो क्या हम ये जज कर सकते हैं कि इन दोनों के मास इक्वल है या डिफरेंट है? पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या हम ये बात जज कर सकते हैं कि इनके मास सेम है या मास डिफरेंट है? मेरी समझ ये कहती है कि इनका डेंसिटी सेम है और क्लियरली यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो ज्यादा है, तो इसका जो मास होगा वो इस मास से ज्यादा होगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की इक्वल होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की इक्वल इसलिए होगी क्योंकि, सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वालिटी साइन यूज नहीं करा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि सेम मटेरियल यूज किया हमने, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, क्योंकि इनका आउटर एरिया सेम है, इनका टेम्परेचर सेम है, तो जो रेट ऑफ हीट लॉस है जिसको हम सिग्मा एप्सिलॉन ए टी रेस्ट पावर 4 लिखते हैं, तो इनिशियली ये तो इक्वल होगा, ये दोनों के लिए इक्वल होगा, लेकिन लेकिन क्योंकि इनके मासेस में फर्क है इसलिए जो रेट ऑफ कूलिंग है जिसको कि हम रेट ऑफ हीट लॉस बाय सी लिखेंगे, तो जहां पे सी ज्यादा होगा वहां पे रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो फर्स्ट के केस में कम होगा, तो रेट ऑफ कूलिंग इसकी कम होगी, ठीक है, यानी कि इसका टेम्परेचर जो है वो स्लोली फॉल करेगा और इसका टेम्परेचर ज्यादा जल्दी फॉल करेगा इनिशियली, ठीक है, राइट एट द स्टार्ट। तो अब हम स्टेटमेंट्स को दोबारा पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देन बोथ विल कूल एट द सेम रेट, तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई, दे विल लूज हीट एट द सेम रेट, हीट ये सेम रेट से लूज करेंगे लेकिन इनका जो टेम्परेचर चेंज है वो सेम रेट से नहीं होगा। रेट ऑफ हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, हाँ ये बात सही है। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो कह रहा है कि जो हीट लॉस का रेट होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है और इसीलिए दोनों के जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो सेम होगा लेकिन रेट ऑफ कूलिंग डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, एंड देयरफॉर डी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। तो देखो बच्चों ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, सो अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन विच एक्चुअली एम्फसाइजेस और फोकसेस ऑन द टू काइंड्स ऑफ रेट। बच्चे अक्सर इन दोनों को सेम इंटरप्रेट करते रहते हैं जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और यहाँ पे गलती होती है, तो ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, रेट ऑफ कूलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेट ऑफ हीट लॉस, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ लाइट बल्ब इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 सेंटीमीटर ऑफ टंगस्टन वायर ऑफ डायमीटर एंड इज एनक्लोज्ड इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब, व्हाट टेंपरेचर डज द फिलामेंट रीच व्हेन इट इज सेपरेटेड। तो बच्चों देखो एक हमारे पास एक बल्ब है जिसको मैं एक सिलेंडर की फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसकी जो लेंथ हमें गिवन है ये 2 सेंटीमीटर गिवन है और इसका जो डायमीटर हमें गिवन है वो हमें 50 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत ही पतला है ये, ठीक है। और इसको इसकी जो पावर है वो 1 वॉट है, यानी कि इसको हमने किसी सर्किट का पार्ट बना रखा है जिसकी वजह से इसके अंदर 1 वॉट पावर जनरेट हो रही है। अब इसका टेम्परेचर स्टेबल कब होगा वो समझते हैं। इसका टेम्परेचर स्टेबल तब होगा जब इसमें से जो रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, ये रेडिएशन की वजह से जो हीट लॉस है वो भी 1 वॉट के बराबर हो जाए, मतलब 1 वॉट एनर्जी इसको मिलती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स और ये 1 वॉट को रेडिएट कर देता है, तो जितनी मिलती है उतनी रेडिएट कर दे रहा है, इसलिए ना इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा ना कम हो रहा होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में इसकी सरफेस से जो पावर लॉस हो रहा होगा वो 1 वॉट के इक्वल होगा। इस बात को यूज करके हमें इस फिलामेंट का टेम्परेचर एस्टिमेट करना है। तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑन स्टीफंस लॉ अगेन, ठीक है। तो हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन ए टी रेस्ट पावर 4। तो पावर हमको 1 वॉट दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 5.67 इनटू 10 रेस्ट पावर -8, ठीक है। एप्सिलॉन जो है वो हमको दे रखा है इज एनक्लोज, ठीक है, ये रहा एमिसिविटी हमको 0.35 दे रखी है, तो ये 0.35 हो जाएगी। एरिया को हम लिखेंगे 2πr इनटू टी, तो 2πr, r का मतलब हो गया d/2 और इनटू l, ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे t रेस्ट पावर 4। तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है
ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5.67 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8, ठीक है, इंटू 0.35 इंटू पाई, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे डी डायरेक्टली लिख लेंगे। डी कितना है, डी है 50 माइक्रोमीटर, तो 50 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 6 इंटू एल, एल है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 2, ठीक है, टी रेस पावर 4। अब देख लेते हैं कि 10 की पावर्स को पहले करेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से माइनस 8 है, फिर ये माइनस 14 हो गई और ये माइनस 16 हो गई, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये 10 रेस टू पावर 16 हो गई, ठीक है, तो हमने 10 की पावर्स को एडजस्ट कर दिया है, 50 इंटू 2 100 हुआ, इसको यहां से हटा देते हैं तो 100 भी एडजस्ट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 5.67 इंटू 35 इंटू पाई, ठीक है, इंटू पाई इंटू टी रेस टू पावर 4। अब इस पाई को भी मैं यहां से हटाकर 22.22/7 लिखता हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर लेते हैं, तो ये 7 यहां से हटके ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा टी रेस टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 10 रेस टू पावर 16 डिवाइडेड बाय 5.67 इंटू 5 टाइम्स ऑफ 22, दैट इज 110, ठीक है, तो ऐसा कुछ बच गया है, क्लियर है। तो बस हमें ये कैलकुलेट करना है अब, तो टी रेस टू पावर 4 मैं इसमें से 10 रेस टू पावर 12 को अलग कर देता हूँ। 12 को मैंने अलग क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे फाइनली पावर 1/4 करनी है, तो मैं 10 की पावर ऐसी चीज रख रहा हूँ जो कि 4 का मल्टीपल हो, ठीक है, और बाकी जो 4 जीरो थे उनको यहाँ ले आते हैं, और यहाँ पे था 5.67 इंटू 11, तो 1 जीरो हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की कैलकुलेशन हो गई है, और क्या एक काम करते हैं, उस 0 को भी कैंसिल नहीं करते हैं, रादर हम इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, 10^16 रखते हैं, और ये नीचे हो जाएगा 5.67 इंटू 110, तो 11 टाइम्स कर देते हैं इसको, 11 टाइम्स करने के लिए 56.7 में 5.67 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 7 और ये कितना हो गया 3, और ये हो जाएगा 2 और ये तो 62 पॉइंट, और अब मैं एक जीरो लगा देता हूँ, तो ये 623.7 इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, सही है सब कुछ, हाँ, ठीक है। तो अब हमें पावर चढ़ानी है इसके ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं टी इज दिस इज इक्वल्स टू इसको लिख देते हैं 1000 अपॉन 62.3, नहीं 62, 623.7 इंटू 10 रेस टू पावर 12 एंड दिस एंटायर थिंग रेस टू पावर 4 1/4, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय ये कितना हुआ, इसको मैं अगर 625 की तरह ट्रीट कर लूं, ये 625 अगर हुआ, ठीक है, तो ये 5^4 आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर 5 बचेगा, तो देखो हो गया बच्चों, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2000 के आसपास, मतलब इट वुड बी समवेयर अराउंड 2000, ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द आंसर। ऑलराइट बच्चों, तो ये हमने स्टीफन सॉ पे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिया है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंडक्शन पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ थिक स्फेरिकल शेल हैज टू इक्वली थिक लेयर्स विद कंडक्टिविटीज फॉर इनर एंड आउटर लेयर एज एन के या ईटा के एंड के रेस्पेक्टिवली, इफ द इनर सरफेस टेंपरेचर इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनर एंड आउटर सरफेस टेंपरेचर ऑफ द कंपोजिट शेल, तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या, पहले तो मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेता हूँ। तो हमारे पास एक स्फेरिकल, एक्चुअली दो स्फेरिकल लेयर्स है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, देर आर टू स्फेरिकल लेयर्स, और इन स्फेरिकल लेयर्स में क्या हो रहा है कि जैसे ये रेडियस अगर आर है, ये रेडियस जो है ये 2r दे रखा है, और क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये इक्वली थिक है, ये अगर इक्वली थिक है तो नोटिस करके देखो कि ये जो डिस्टेंस है ये श्योरली 1.5r होना चाहिए, क्योंकि तभी थिकनेस इक्वल बनेगी, ठीक है, तो एक तो हमको ये पता लग गया। दूसरी चीज क्वेश्चन हमसे ये बता रहा है कि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो ईटा के है और यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है वो के है, तो एक चीज ये पता लग गई, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो बीच में जो लेयर है इसका जो टेम्परेचर है वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे T1 मान लू और यहाँ पे T2 मान लू, तो यहाँ का जो टेम्परेचर आएगा वो T1 + T2/2 आएगा। इस बात का मतलब क्या है, देखो इस बात का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है वही टेम्परेचर ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक जाने में होगा, देखो बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, तो टेम्परेचर ड्रॉप जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के एनालॉगस होता है, ठीक है, तो देखा जाए तो इनमें जो हीट करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ से जो भी हीट निकल के जा रही होगी, तो दोनों स्फेरिकल लेयर्स में से हीट करंट सेम है, ठीक है, और फिर हमको ये भी बता रखा है कि दोनों स्फेरिकल लेयर्स इस लेयर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस और इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी इक्वल है, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि दोनों लेयर्स का रेजिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब कि जो थर्मल रेजिस्टेंस फर्स्ट लेयर का है वही थर्मल रेजिस्टेंस सेकंड लेयर का होगा, ये बात हमको पता लग रही है, देखो यहां तक क्लियर है क्या एवरीवन, ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल है, तो हमें थर्मल रेजिस्टेंस को इक्वेट करना है, इससे हमारा काम बन जाएगा। अब थर्मल रेजिस्टेंस एक स्फेरिकल लेयर के लिए लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे अगर ये वाला रेडियस सपोज R1 है और ये वाला रेडियस सपोज R2 है और रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है, तो जो थर्मल रेजिस्टेंस लिखा जाता है वो होता है 1 अपॉन, वो होता है रो अपॉन 4 पाई एंड देन 1/R1 - 1/R2, और रेजिस्टेंस की जगह अगर हमें रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी दे दी जाए तो 1/4 पाई के एंड देन 1/R1 - 1/R2 ये करते हैं,
तो हमें अब इन दोनों लेयर्स के रेजिस्टेंस को इक्वेट करना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई ईटा के, ठीक है, फर्स्ट लेयर का कंडक्टिविटी ईटा के थी, ठीक है, फिर 1/स्मॉलर रेडियस r है और जो बड़ा रेडियस है वो 1.5 r है, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई k, ये देखो कि जो सेकंड लेयर थी इसकी कंडक्टिविटी k थी, ठीक है, इनटू 1/ और यहाँ पे स्मॉलर रेडियस 1.5 r माइनस 1/2 r, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो इस आंसर आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन के अंदर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इसके अंदर 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, तो ईटा की जो वैल्यू आएगी, इनफैक्ट k भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ईटा की वैल्यू मुझे दिख रहा है, ईटा की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, ये आ जाएगी 1/1 माइनस 1/1.5, ठीक है, ये यहां से लिख दिया मैंने 1/, ठीक है, आर को हटा दिया, डिवाइडेड बाय 1/1.5 माइनस 1/2, ठीक है, तो बस बहुत सिंपल है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे आ जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 1/0.5, तो ये हो गया 2, तो 2 जो होगा दैट विल बी द आंसर। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आएगी, इसके अंदर हमने क्या क्या यूज किया, एक तो ये वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है, कि एक स्फेरिकल लेयर में जब रेडियली हीट फ्लो होती है तो उसका रेजिस्टेंस हम कैसे लिखते हैं, एक तो ये बात थी, और दूसरा फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस है, दोनों के अक्रॉस अगर सेम पोटेंशियल ड्रॉप या टेम्परेचर ड्रॉप है, ठीक है, तो उन दोनों का रेजिस्टेंस फिर इक्वल होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट सेम हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप सेम दे रखा है तो फिर रेजिस्टेंस को सेम होना ही पड़ेगा, बस इसी बात को यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और आंसर इज 2, ठीक है बच्चों, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंडक्शन पे बेस्ड है, ठीक है, तो इसके अंदर हम किरचॉफ्स रूल लगा के सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एक रॉड गिवन है, सिस्टम ऑफ रॉड्स इज असेंबल्ड सच दैट ईच रॉड हैज अ लेंथ एल क्रॉस सेक्शनल एरिया एस, ठीक है, तो लेंथ सेम है, एस सेम है सारी रॉड्स का, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन एंड द सिस्टम इज इन स्टेडी स्टेट, ठीक है, तो द टेम्परेचर एट द जंक्शन ए इज टी, तो यहाँ का टेम्परेचर हमको फिक्स कर दिया गया है टी, और यहाँ का टेम्परेचर 2T फिक्स कर दिया गया है, थर्मल कंडक्टिविटी इज, ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी और डी निकालना है, ठीक है, इनफैक्ट बी निकालना है, तो देखो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस सर्किट को अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनालॉग में कन्वर्ट करूँ, इलेक्ट्रिकल एनालॉग में, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है, और जिन लोगों के दिमाग में व्हीटस्टोन ब्रिज आ रहा है ध्यान से देखना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी है, तो देखो जहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा है वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, तो यानी कि के वाले का रेजिस्टेंस अगर मैं 2R लिख देता हूं तो इसका रेजिस्टेंस R हो जाएगा, समझ आ रहा है, यहाँ पे कंडक्टिविटी डबल थी तो इसका रेजिस्टेंस दूसरे वाले का आधा होगा, ठीक है, तो इसको मैंने 2R लिख दिया, इसको R लिख दिया, ठीक है, तो के वाले को क्योंकि मैंने 2R लिखा है तो यहाँ पे भी 2R हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 2R हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक है, और ये वाले जो एंड्स हैं यहाँ पर हमको टेम्परेचर फिक्स दे रखा है टी और 2T, तो इन एंड्स को हम ऐसा मान सकते हैं जैसे कि बैटरी से कनेक्टेड हो। अब ध्यान से देखो कि ये जो सर्किट है इसके अंदर पॉइंट सिमेट्री है, ठीक है, तो हम चाहे तो उसको सिमेट्री यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो सिमेट्री के बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं पहले सिमेट्री के बिना बता रहा हूँ, पहले सिमेट्री के बिना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिमेट्री गलत तरीके से यूज करनी आती है, तो मैं कहूंगा कि अगर कुछ सही तरीके से नहीं पता है तो उसे अवॉइड ही कर देना चाहिए, ठीक है, तो मैं बिना सिमेट्री के बताता हूँ पहले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे इसका टेम्परेचर टीबी मान लेंगे, इसका टेम्परेचर सपोज टीडी मान लेंगे, अभी क्वेश्चन क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा कि यहां से नेट आउटफ्लोइंग करंट जीरो है, कैसे लिखेंगे, तो मैं इसको लिखने वाला हूँ टीबी माइनस टी, ठीक है, टीबी माइनस टी डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है, टीबी माइनस टी डिवाइडेड बाई 2R, तो ये यहाँ की करंट हो गई, प्लस टीबी माइनस टीडी डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है, ये यहाँ की करंट हो गई, प्लस टीबी माइनस 2T, ठीक है, टीबी माइनस 2T डिवाइडेड बाई R इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आगे दिखा रहा है, समझ अभी अननोन्स दो हैं, टीबी भी नहीं पता, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो पूरी इक्वेशन को मैं 2R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो पूरी इक्वेशन को 2R से मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो ये बन जाएगा टीबी माइनस टी प्लस टीबी माइनस टीडी, ठीक है, और प्लस 2TB माइनस 4T इक्वल टू जीरो, तो यहां से टीबी टीबी, तो ये हो जाएगा 4TB, ठीक है, 4TB माइनस टीडी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5T, तो एक इक्वेशन ये हो गई, अब एक इक्वेशन हमें और चाहिए, ठीक है, तो वो इक्वेशन कैसे आएगी, वो इक्वेशन आ जाएगी इस वाली नोड को यूज करके, ठीक है, तो उस नोड को यूज करेंगे, तो अब इक्वेशन बनेगी TD माइनस टी डिवाइडेड बाय R, ये वाली करंट लिख दी हमने, प्लस TD माइनस TB डिवाइडेड बाय 2R, ये वाली करंट लिख दी हमने, ठीक है, प्लस TD माइनस 2T डिवाइडेड बाय 2R इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो वैसे तो एक चीज नोटिस करने लायक है, ठीक है, और वो नोटिस करने वाले लायक ये है कि इस सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर तुम टीडी और टीबी को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, टीडी की जगह टीबी लिख दो, टीबी की जगह टीडी लिख दो, तो नोटिस करो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन में टीडी और टीबी को रिप्लेस करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन भी आ जाएगी, तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, ये इक्वल तो नहीं होंगे, ठीक है, इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इनफैक्ट शायद आ भी नहीं रहा रिप्लेस करने से, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे टीबी लिख दूं, हाँ, तो यहाँ पे
नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ और लिखने से आएगा, मैं भी बताता हूँ। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं सिमेट्री अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा अभी कैसे होगा ये। ठीक है, मैं वैसे बताता हूँ कि टी डी है क्या। तो टी डी जो है ये 3 टी इन दोनों का सम माइनस टी बी के बराबर है। अगर हम ये रिप्लेस करेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्टली कैसे जज किया मैंने बता दूंगा, सिमेट्री यूज करते हैं तो बता दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से आगे पूरी क्वेश्चन को हम 2R से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पूरी क्वेश्चन को अगर 2R से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल एंड अप विथ 2TD - 2T, ये फर्स्ट टर्म लिखा है मैंने, प्लस TD - TB, ठीक है, प्लस TD - 2T = 0। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, देखो 2T, ये 4TD, ठीक है, 4TD - TB, ठीक है, = 4T। तो ये दो इस इक्वेशन में, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोनों इक्वेशन को। तो एक है 4TB, ठीक है, 4TB - TD, 4TB - TD = 5T, ये इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 4TD, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं TD के नीचे TD को लिख देते हैं, -TB, ठीक है, और = 4T। ठीक है, तो मुझे क्योंकि बी निकालने का है तो मैं डी को एलिमिनेट करूंगा। डी को कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसको (4) करके ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 - 1, तो 15TB। ठीक है, और ये -4TD + 4TD कैंसिल हो जाएगा, = 24, 24T आ जाएगा। तो TB की जो वैल्यू आ रही है ये 24T/15 आ रही है, तो ये हो जाएगा 8/5T, यानी कि 1.60। तो आंसर तो इससे आ जाएगा, देखो ये आ गया। तो ये मैंने बिना सिमेट्री यूज करके किया है। ठीक है, अब सिमेट्री यूज करके कैसे होगा मैं वो भी बता देता हूँ। तो सिमेट्री यूज करके अगर करना है, ठीक है, तो नोटिस करना कि जब मैंने ये सर्किट बनाया था, मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस R लिखा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2R लिखा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2R लिखा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस R लिखा था, और यहाँ पे 2R लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी के, मतलब ये टेम्परेचर T और ये टेम्परेचर 2T था। ठीक है, अब नोटिस करो कि ये जो सर्किट है, ये इस पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है भाई, तुम ग्राफ्स पढ़ते हो, ग्राफ्स भी तो पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक पढ़ते हो। जैसे टैन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जैसे अल्फाबेट एन जो है वो सिमेट्रिक है, जैसे अल्फाबेट जेड जो है ये इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है बच्चों। ठीक है, जैसे एन इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, एन इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, एन इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है, एन ना पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। ऐसे ही जो अल्फाबेट एस है ये पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो जो पॉइंट सिमेट्री होती है उसमें क्या होता है कि जो पॉइंट्स एक दूसरे के इमेजेस होते हैं, जो पॉइंट जैसे डी पॉइंट, ठीक है, और बी पॉइंट, ये एक दूसरे के इमेज कहलाएंगे। तो इमेज, जो पॉइंट एक दूसरे के इमेजेस होते हैं उनके पोटेंशियल्स का सम, जो पॉइंट बैटरी से कनेक्टेड होते हैं उनके पोटेंशियल्स के सम के बराबर होता है, यानी कि TD + TB जो होगा ये T+2T के बराबर आएगा। तो TD जो आएगा वो 3T - TB आएगा। तो तुम इस बात को यूज करके डायरेक्टली बस एक ही नोड पे इक्वेशन लिख के सीधा आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब कि जैसे मैंने इस नोड पे जो इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर 1 जो बनाई थी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी, इसमें अगर मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर दूं, जैसे 4TB - TD को मैं लिख देता हूँ 3T - TB, ठीक है, इससे देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा 5TB = 8T, देखो आ गया डायरेक्टली, समझ आ रहा है। तो सिमेट्री यूज करके हम कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन अगर हम सिमेट्री रियलाइज नहीं भी कर पाए तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, बस हमें वेरिएबल ज्यादा अज्यूम करना पड़ता है और फिर थोड़ी सी सॉल्विंग ज्यादा करनी पड़ती है, आंसर तो तब भी आ ही जाता है। और बच्चों ठीक है, विद दिस वी विल नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो इसमें अब हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज एन एब्सोल्यूट टेंपरेचर टी, डेंसिटी ऑफ द सरफेस डिपेंड्स ऑन द एंगल मेजर फ्रॉम रेफरेंस लाइन, ठीक है, टोटल रेडियल पावर। तो बच्चों देखो सिचुएशन ऐसी है कि ये एक स्फीयर है और ये मान लेते हैं एक रेफरेंस लाइन है, यहां से थीटा एंगल पर जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इन पॉइंट्स की, ठीक है, इन सबके लिए जो एमिसिविटी है वो सेम है, एमिसिविटी जो है थीटा का फंक्शन है। तो हमको पता करना है कि टोटल रेडिएट पावर क्या होगी। तो देखो हम इसके लिए यहाँ पे एक एलिमेंट चूज कर लेंगे, ठीक है, एक एलिमेंटल रिंग लेंगे जो कि मान लेते हैं कि सेंटर पे कुछ डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही होगी। ठीक है, तो इसका जो एरिया बनेगा, इसका जो एरिया बनेगा ये 2π r sin θ, ठीक है, ये नोटिस करो r sin θ क्यों आया, क्योंकि ये रेडियस है रिंग का, ये r sin θ है। ठीक है, तो 2π r sin θ इंटू आर डी थीटा बनेगा, आर डी थीटा ये वाली विड्थ है। ठीक है, तो आर डी थीटा ये बन जाएगा, तो डीए की वैल्यू ये बन गई है। ठीक है, अब यहां से जो रेडिएशन हो रहा है उसको मैं डीपी लिख देता हूँ, तो डीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को ये दे रखा है। और नोटिस करो कि अगर मैं थीटा को 0 से लेके π तक चेंज करूंगा तो पूरा का पूरा स्फेयर कवर हो जाएगा। ठीक है, और 0 से लेके π तक साइन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आई कैन गेट रिड ऑफ द मॉड साइन। ठीक है, मैं मॉड साइन थीटा को सिर्फ साइन थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं थीटा को जब 0 से π डालूंगा तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो सिग्मा एप्सिलॉन ए ए की जगह पे हम लिख देंगे 2π r² ये वाली चीज लिख रहा हूँ, 2π r² sin θ * d θ। ठीक है, तो सिग्मा एप्सिलॉन ए * t^4 ये हो गया।
ठीक है, बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल पावर निकालने के लिए सिग्मा इसको बाहर ले आते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर इसको भी बाहर ले आते हैं, ठीक है, टी रेस्ट पावर 4 को बाहर लेते हैं। इंटीग्रेशन हमें करना है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का, और ये इंटीग्रेशन 0 से पाई तक होगा। ठीक है, तो ये मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि इसको तुम कैसे इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो इसको जैसे मैं इस 2 को यहां से हटाकर यहां पर ले जाता हूँ, तो ये 2 sin² थीटा बन जाएगा। 2 sin² थीटा को हम 1 माइनस cos 2 थीटा लिख देंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बनेगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर टी रेस्ट पावर 4 इंटू पाई। ये जो इंटीग्रल है 2 को इंक्लूड करने के बाद ये इंटीग्रल पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, सो वी विल गेट सिग्मा आर स्क्वायर टी रेस्ट पावर 4 इंटू पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं सिग्मा आर स्क्वायर टी रेस्ट पावर 4 इंटू एन, तो एन जो है वो पाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्वेश्चन में आंसर बोल रहा है कि इंटीजर नियरेस्ट टू एन, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 के नियरेस्ट होती है अगर मैं इंटीजर की बात करूं, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 10। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको इन सारे क्वेश्चन में मजा आया होगा। हमने स्टीफेंस लॉ पे क्वेश्चन करे, हमने वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ पे क्वेश्चन करे, रेडिएशन पे करा, कंडक्शन पे करा, तो हीट ट्रांसफर में लार्जली इन्हीं टॉपिक्स ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हमने एक स्फेरिकल एक स्फेयर के अंदर रेडियल हीट फ्लो होता है, तो उसका रेजिस्टेंस हम कैसे लिखते हैं हमने वो देखा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं, और होपफुली अगर आपको ये चीज याद रहेगी तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही तरीके से सॉल्व भी कर पाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑन दैट नोट आई विल से फेयरवेल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ एस्पायर सीरीज। बाय बाय गाइस, टेक केयर।